दोस्तों, मैं हूं ओमपाल प्रसाद, जीएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, ये प्राचीन हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस दिल्ली की हैं। जी हां, हम आपको बता दें कि इस मंदिर में श्रद्धालु बड़े ही भाव से आते हैं, उनके हर दुख दर्द का यहां पर निदान होता है, हर मुराद पूरी होती है उन भक्तों की जो भक्त यहां पर श्रद्धा से आते हैं। और हजारों की संख्या में यहाँ भक्त पहुँचते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, हनुमान नाष्टक का पाठ करते हैं और अपनी नज़र या भूत प्रेत का चक्कर जो होता है उसे भी वो यहाँ उतरवाते हैं। आइए हम आपको लेकर चलते हैं प्राचीन हनुमान मंदिर के महंत श्री लाल बाबा यानी कि मदन लाल बाबा के पास, जिन्होंने यहाँ गद्दी लगाई हुई है और तुलसी विवाह के लिए 19 तारीख का आयोजन रखा हुआ है, जहां पर गरीब लड़कियों की शादी भी कराई जाएगी। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। हाँ, श्री हनुमान जी महाराज का मनोकामना सिद्ध करने वाला पवित्र प्रांगण है और जैसा बताया कि श्री हनुमान जी महाराज के तो दर्शन करने से ही सब संकट दूर हो जाते हैं, लेकिन जैसे ये हमारी मीडिया, इसकी ऐसी मनोभावना है कि नज़र लगी, नज़र किसी भी चीज़ की हो सकती है, नज़र कोई अच्छी सुंदर वस्तु है उस पर भी नज़र लग सकती है, पढ़ाई लिखाई अन्य किसी भी चीज़ की अपनेपन की भी नज़र लग सकती है। तो इस बच्ची का भाव है कि हमारे पूज्य महंत श्री लाल बाबा मदन लाल शर्मा जी, जो हमारी मंदिर समिति के अध्यक्ष भी हैं और ये स्थानीय ऐसा इस गद्दी पर 38वीं पीढ़ी ये विराजमान है, तो 38वीं पीढ़ी जहाँ विराजमान है, वो जो श्री हनुमान जी महाराज की हज़ार वर्ष पहले से सेवा तपस्या और पूजा चलती चली आ रही है, उसी का प्रभाव है कि इस गद्दी पर या इस श्री हनुमान जी महाराज के जो भी पवित्र मंदिर में आता है उसके सब। तो जैसे आपने देखा होगा, श्री बालाजी महाराज का एक पवित्र सिद्ध मंत्र है कि वीर बलि हनुमंत जी मुगदर दाहिने हाथ, मार मार पछाड़िए पर्वत बांधे हाथ, भूत प्रेत और डाकनी जिंद कई स्मशान, बचे न इनमें एक हूँ निराकार की आन, दुहाई अंजनी जी की, दुहाई राजा रामचंद्र जी की, दुहाई लक्ष्मण यति की, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पूर्व मंत्र ईश्वर है ऊंचा। ईश्वर की ये वाणी है कि जो भी इस मंत्र को पढ़ता है, भजता है, उसकी जो दूषित नज़र होती है, बुरी नज़र होती है, वो उससे दूर हो जाती है। इसी प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज का एक और सिद्ध मंत्र है, ओम गुरु बनखंडी बनके राय, चोर न मुँह से बाघ न खाए, खिन बाए खिन दाहिने खिन खिन आगे होए, अचल गोसाई सिमरिए तो काया विघन न होए, यही बन छाड़ी अवर बन जाऊँ, सुआ सांबर मार मृग खाऊँ, त्रय दिशा बांधूँ पूरब पश्चिम उत्तरखंड, पाताल की जड़ आकाश से बांधूँ, हाँक हनुमंत मेहर से झांको, सिंध बांधो शार्दुल हरियल जटीला बांधो, बाघ बांधो बाघनी बांधो, केहरिया कस्तूरी और भील बांधो, नरसिंह बांधो, जैसे राजा रामचंद्र जी ने सेतु बांधा, राजा रामचंद्र जी का सेतु बांधा टूटे तो मेरा बांधा नरसिंह भी छूटे, एक कोस बांधो, दो कोस बांधो, तीन कोस बांधो, चार कोस बांधो, पाँच कोस बांधो, छह कोस बांधो, छह दुनी बारह कोस बांधो, घोड़े की हींग हाथी का दांत भैंसे का सींग बांधो, भील बांधो भीलनी बांधो, डाकनी शाकनी पिशाचनी ब्रह्म राक्षस बांधो, दैत्य बांधो दानव बांधो, गुप्त बांधो प्रकट बांधो, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पूर्व मंत्र ईश्वर उचा, गुरु बनखंडी साहिब तुम्हारे लकड़े के महंत मोहनदास की शक्ति। ये सिद्ध मंत्र है, इसको अगर हम नित्य जपते हैं, इसका स्मरण करते हैं, इसको सुनते हैं तो यकीनन बहुत सारी बाधाएं दूर हो सकती हैं। ये श्री हनुमान जी महाराज का सिद्ध अलौकिक मंत्र जी। बाबा बताएं कि 19 तारीख को आपके यहाँ कुछ तुलसी जी का विवाह का कुछ प्रोग्राम है, किस तरीके से है? देखिए, हमारा जो तुलसी जी विवाह का है 19 तारीख को सोमवार का दिन है, उस दिन उनका शादी होगी और वो हमारा प्रोग्राम शादी का, क्योंकि आज हमारी परिस्थिति ऐसी है, हमारे बच्चे को जिसको मैंने समझा दिया है। तो किस तरीके से आप यहाँ पर उस कार्यक्रम को आयोजन करेंगे और कितना उसमें गैदरिंग होगा, कितनी भीड़ उसमें हो जाएगी, क्या गैदरिंग? जो ये मंदिर है, मंदिर में बहुत ही जनता आती है, 1500 भी आ जाते हैं जी, ऐसी कोई बात नहीं है जी। जी, तो किस किस चीज़ की व्यवस्थाएं आप रखेंगे उस स्वयंवर में, तुलसी जी का जो स्वयंवर यहाँ पर रखा जाएगा जी, उसमें क्या क्या उपाधियाँ होंगी? हम लोग पहले तो मैं हमारे आदरणीय पंडित मदन लाल जी शर्मा जी, जिन्हें पूरा हिंदुस्तान लाल बाबा के नाम से जानता है, उनकी अनुमति लेके ही मैं बता रहा हूँ, आप मंदिर प्रबंध समिति जो है उसके माननीय अध्यक्ष भी हैं। जैसा आपने प्रश्न किया कि तुलसी विवाह क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि तुलसी विवाह
एक बड़ी पौराणिक एक कथा है या पौराणिक एक पद्धति है। लेकिन जैसा आपने पूछा कि हम उस दिन विशेष रूप से क्या करेंगे, तो ऐसे बच्चे ऐसी कन्याएं जिनका विवाह नहीं हो रहा, ऐसा परिवार जो योग्य होते हुए भी और जिनके पुत्र और पुत्रादि का कन्याओं का विवाह जमपन नहीं हो पा रहा, ऐसे लिए एक विशेष अनुष्ठान, एक विशेष पूजा या एक विशेष मंत्र आप पूज्य लाल बाबा जो हैं उन बच्चों को वितरित करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से वृंदा और भगवान विष्णु अर्थात शालिग्राम जी का जो विवाह हुआ, उसी प्रकार से उन बच्चों का भी विवाह संपन्न हो, इसलिए एक विशेष यहाँ पर आयोजन होगा आदरणीय पंडित मदन लाल शर्मा लाल बाबा जी सरपरस्ती में और पूज्य महाराज हमारे श्री हनुमान जी महाराज की। और यहाँ पे जब ये हमारा जो प्रचार प्रसार है मंदिर समिति की ओर से, तो उसमें संख्या सैकड़ों की संख्या भी हो सकती है और हजारों की संख्या भी हो सकती है। और उस विशेष पूजा अनुष्ठान के बाद जैसा आप देख रहे हैं कि सभी लोग गद्दी पर आके अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार दाल चीनी चावल आटा घी सूजी मैदा अन्य सामग्री राहत सामग्री खाद्य सामग्री और दक्षिणा के रूप में कुछ भी द्रव्य दक्षिणा दे रहे हैं, तो वो सब जो है वो उन कन्याओं के विवाह के लिए, उन कन्याओं के देश के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबका सुख मिले, सबको सुख मिले और सभी घरों में बहन बेटियां बड़ी इज्जत से अपने अपने परिवारों में जाएं, उनके शुभ विवाह हों, ऐसी मंगल कामना हमारे श्री हनुमान जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री लाल बाबा के पावन सरपरस्ती के अंदर हमारे। तो बाबा विशेष रूप से यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में भी किसी को बुलाया होगा, तो वो किस तरीके से कौन आने वाले हैं? देखिए जनता तो सभी है, कोई भी आ सकता है, शादी है यह किसी घर की नहीं है शादी, इससे देवी देवता तुलसी एक देवी है। नहीं हाँ, मेरा कहने का मतलब है जैसे कनॉट प्लेस दिल्ली का प्राचीन हनुमान मंदिर है जहाँ पर आप महंत हैं और यहाँ पर तुलसी विवाह का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं आप, तो यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में भी तो किसी को आपने बुलाया होगा। देखिए ऐसा है नहीं, जनता हमारी जनार्दन, जनता का योग हमें चाहिए, हमें ऐसी कोई बात नहीं है, शादी ब्याह करने के लिए मिनिस्टर या उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान साक्षी है और जनता। धन्यवाद। तो यहाँ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि चैनल के माध्यम से, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, अन्य व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों ने सभी समाज के लोगों को, सभी वर्गों को ये सूचित कर दिया है। अब एक बात हो रही है, जैसे कहते हैं इलेक्टेड और सिलेक्टेड दो प्रकार के लोग, जो सिलेक्टेड हो गए जिनको परमात्मा इस तुलसी विवाह का साक्षी बनाएगा, वो स्वयं चाहे वो नेता हो अभिनेता हो साधारण आदमी हो या कोई भी हो, वो साक्षी बन के यहाँ पर। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तुलसी विवाह का, उसमें सारे जनता को दिया है, जगह जगह पोस्टर लगा दिए, ये उनका पोस्टर है।